अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पाए की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनती है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिए है पाए, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में रख लिया है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। आधा घंटा मैंने उसको रख दूँगी। अलग से मैंने यहाँ पे ऑयल को पहले से गरम कर लिया था और इसमें मैंने ऐड कर लिया है प्याज। प्याज को इसी तरीके से आप लोगों ने काटने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये सारे प्याज हम निकाल लेंगे आराम आराम से करके। ठीक है, और ये मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन और हरी मिर्च का, जो कि जिस प्याज में मैं जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसी प्याज में मैं लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। और ये देखिए, जो प्याज मैंने अलग कर ली थी, ठंडे हो गए हैं और अब इसको मुझे पीसना है। जैसे ही पेस्ट थोड़ा सा पक जाए, और उसके बाद हमने टमाटर डालने हैं। अच्छा, टमाटर से छिलका मैंने हटा दिया है, आप लोगों ने छिलका टमाटर से हटा के इसमें डालना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि ये टमाटर जो है नरम हो जाए। और ये 2 से 3 मिनट के लिए हम रख देंगे। और ये देखिए, अलग से जो ये प्याज हमने फ्राई किए थे, इसको हमने पीस लेना है। आप लोग ग्राइंड नहीं करना, आप लोगों ने इसी तरह से इसको पीसना है, क्योंकि फिर जायका अच्छा आता है। जो हमने पाए बॉईल होने के लिए रख दिए थे, वो बॉईल हो गए हैं और नरम भी हो गए हैं, अलग से निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये मैंने 3 मिनट के बाद टमाटर चेक किए हैं और ये देखिए प्याज को मैंने पीस लिया है। चलिए, तो ये देखिए टमाटर देख लें आप लोग, जब टमाटर पक जाए तो उसके बाद हमने जो प्याज को हमने पीस लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे इसी तरह से। मुसलसल हम चम्मच इसलिए हिला देंगे ताकि इसमें मिक्स करेंगे, ताकि जो टमाटर और प्याज है वो एक साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, ये मैं ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर को मैं मिक्स में नहीं किया था, और ये मैं 2 टेबल स्पून लूँगी, ठीक है। और इनको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी, ठीक है। मैंने 3 मसाले ली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मैंने मिक्स करके डाल दिया है। अब मैं ये नमक डालूँगी। नमक आप लोगों ने हसब ज़रूरत डालना है, जितना आप लोग नमक खाते हो। मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और इन सबको मैंने मिक्स करना है, मिक्स अच्छे से करना है। इसके बाद में देख लें आप लोग, मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैंने कूट के भी इसमें डाल दी है, पहले जो मैंने आप लोग को बताया, और अब मैं इस तरीके से भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसका फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ज़ायका भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, जो मैंने पाए को बॉईल कर लिया था, वो काफ़ी अच्छी तरीके से नरम हो गए हैं, और इस पेस्ट में अब मैं ये डाल दूँगी, ठीक है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये देखिए, ये सारा मसाला हमने और जो पाए हैं, इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जितना भी मसाला है वो सारा पाए पे लग जाए, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जो मसाला है और जो पाए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पक गए। थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये जितना भी इसमें घी था, ऑयल था, वो सारा ऊपर आ गया है। और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया और मज़ेदार सिपाई की रेसिपी वेरी इजी रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की लगती है, बहुत इजी बन जाती है। तो मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और